डॉक्टर गुप्ता के पास मैं एक बात यह समझने के लिए आ रहा हूं डॉक्टर गुप्ता, एज अ सिस्टम हम पास हुए हैं ये 350 दिनों का हवाला जो दिया जा रहा है, क्योंकि ये दूसरी तीसरी लहर पूरी दुनिया में आई है और सब जगह असर दिखा है, तो हम एज अ सिस्टम पास हुए हैं फेल हुए हैं कुछ नहीं कहा जा सकता? तो दिनेश, जब ये पेंडेमिक आया था तो एज ए डॉक्टर एज ए साइंटिस्ट हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को हम लोगों ने लिया है अपनी तरफ से। साइंटिस्ट ने काम किया है, बहुत रिकॉर्ड टाइम में दुनिया में वैक्सीन बना के दिया गया है ताकि लोगों के बचाव हो सके, दवाइयों पे काम किया गया, हॉस्पिटल्स में काम किया गया। पर ये अभी जो सीन हम देख रहे हैं इस समय, चाहे वो पॉलिटिक्स के नाम पे हो चाहे धर्म के नाम पे हो, बहुत ही स्केरी है, बहुत ही डरावना है। अभी कुछ दिनों में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, कुछ दिनों में ये कुंभ भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये लाखों करोड़ों लोग जो है ये वहां से लौट के अपने अपने शहरों अपने अपने गाँव में जाएंगे और जिस तरह से बीमारी दोबारा फैलेगी, तो साइंटिस्ट तो अपने साइंटिफिक तरीके से लड़ सकता है, हम इन चीजों से नहीं लड़ सकते। ये बहुत ही स्केरी सीन है। मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे दुनिया को वैक्सीन बनाकर रिकॉर्ड टाइम में दिया है और आज की डेट में जबकि हमें सारे के सारे रिसोर्सेज सारे चैनल सबको चैनलाइज करना चाहिए सरकार को कि किस तरह इस वॉर को लड़े, इसके जगह हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके हम इस तरह की रैलियां कर रहे हैं, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है जो जो वॉर साइंटिस्ट जीत रहे हैं वो पॉलिटिशियंस हरवा देंगे हमें। और ये देखिए, आप में से ज्यादातर हमारे साथ जुड़े और आपने जवाब भी भेजा, हजारों की तादाद में आपने जो जवाब भेजे हैं उसके हिसाब से ज्यादातर रिस्पोंडेंट्स ये मानते हैं कि हाँ, कुंभ और चुनाव ने कोरोना की स्थिति विस्फोटक बना दी है। ऐसा नहीं मानने वाले लोग सिर्फ 16% हैं और पता नहीं कहने वाले लोग 4% हैं, मतलब सबसे ज्यादा 80% लोग ये मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग, और ये बात अगर यहां पर कही जा रही है कि सियासत की वजह से ऐसा हो रहा है, निहित स्वार्थ की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। देखिए, लोग खुद समझ रहे हैं और कह रहे हैं 80% लोग कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।